नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत करते हो। दोस्तों, इस ऑप्शन सीरीज़ में हम डेली बेसिस पर लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे और इस लाइव सेशन पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पर हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के ऊपर डेली बेसिस पर वन लॉट से ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, हम वन लॉट से आपको कैपिटल ग्रो करके दिखाएंगे और यहाँ पर मैं आपको फंडिंग दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे अकाउंट पर अभी फंड है 6000। तो इस फंड को हम किस प्रकार से ग्रो करते हैं रेगुलर बेसिस पे और कंसिस्टेंटली अकाउंट को हमें किस प्रकार से ग्रो करना है, ये सभी हम इस सीरीज़ के अंदर सीखेंगे। आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है, सीखना है कि हम किस प्रकार से रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, मनी मैनेजमेंट करते हैं और किस प्रकार से हम एंट्री एग्जिट लेते हैं। सारा एनालिसिस हम खनचम सर से सीखा है, तो सभी एनालिसिस हम अच्छी तरह डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। तो आप वीडियो को जरूर ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग वॉच लिस्ट में देख लेते हैं कौन कौन सी बैंक किस प्रकार से काम कर रहे हैं। तो एक्सिस बैंक के अगर देखें तो एक्सिस बैंक कहाँ पे क्या कुछ कर रहे हैं। तो अगर एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक अभी एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। तो जब तक इस रेंज की ब्रेकआउट नहीं होगा या ब्रेकडाउन नहीं होगा, तब तक हमें अच्छी मोमेंटम नहीं मिलेगा। ऊपर के साइड ब्रेकआउट होता है तो ऊपर के साइड बढ़िया मोमेंटम मिलेगा, नीचे के साइड भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ऊपर की जो लेवल है वो कहीं ना कहीं 1040 के आसपास बना हुआ है और नीचे की जो लेवल है वो कहीं ना कहीं 1005 के आसपास बना हुआ है। तो जिस भी साइड हमारा रेंज ब्रेकआउट होगा उसी साइड हमें एक्सिस बैंक पर एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगा। बात करते हैं HDFC बैंक की, तो HDFC बैंक थोड़ा सा ज़्यादा निगेटिव है। HDFC बैंक पर थोड़ा सा सेलिंग आया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक कंसोलिडेटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर कंसोलिडेटिंग करके ऊपर के साइड ब्रेकआउट करते हैं तो हमें अच्छी मोमेंटम मिलेगा, नीचे के साइड ब्रेकडाउन करते हैं तो यहाँ पर ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगा और हमें नीचे के साइड सेलिंग देखने को मिल सकते हैं। और नीचे का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं 1514 का है। सो अगर 1514 को ब्रेकडाउन करते हैं तो हमें नीचे के साइड HDFC बैंक में निगेटिव ट्रेंड का कंटिन्यूएशन होता हुआ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्टॉक है ICICI बैंक। ICICI बैंक क्या कर रहे हैं, ICICI बैंक ने दो हैमर कैंडल बनाया है। तो जब तक ICICI बैंक इन दो हैमर कैंडल के ऊपर ट्रेड करते रहेगा तब तक ICICI बैंक थोड़ा सा पॉजिटिव ही रहेगा। जब हैमर कैंडल का लो ब्रेकडाउन हो जाएगा तब शायद हमें थोड़ा सा निगेटिविटी देखने को मिल सकता है। बात करें अगला स्टॉक की, तो अगला जो स्टॉक है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक में क्या हुआ है, कोटक ऑलरेडी थोड़ा सा नेगेटिव हो चुका है। यहाँ पर एक जो ट्रेंड लाइन बना था यहाँ पर बैंक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की साइड लेग स्टार्ट किया, फिर यहाँ पर कंसोलिडेटिंग करके इस रेंज का ब्रेकडाउन किया है। तो अभी कोटक महिंद्रा थोड़ा सा नेगेटिव साइड ही जा सकता है, इसका प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जैसे ये 1725 को ब्रेक करेगा हमें नीचे के साइड सेलिंग देखने को मिल सकता है। बात करें SBI की, तो SBI भी एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। तो SBI का जो ऊपर का रेंज बना हुआ है वो कहीं ना कहीं 610 के आसपास बना हुआ है और नीचे के साइड 585 के आसपास ब्रेकडाउन होगा। तो जब तक SBI इसी रेंज के अंदर ट्रेड करते रहेगा तब तक हमें अच्छी मोमेंटम नहीं मिलेगा। ब्रेकआउट होने के बाद या ब्रेकडाउन होने के बाद हमें अच्छी मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर इसी जोन के अंदर ट्रेड करते रहता है तो हमें SBI में साइडवेज मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। आप निफ्टी पर आप देख सकते हैं, निफ्टी पर हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, एक पोजिशनल चार्ट है। तो अगर पोजिशनली निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करते हैं तो ऊपर की साइड मोमेंटम कर सकते हैं। बैंक निफ्टी एक जोन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, तो जब तक इस बैंक निफ्टी इस जोन के अंदर ट्रेड करते रहेगा हमें ज़्यादा बड़ी मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। मार्केट अगर ऊपर चलने भी लगता है धीरे धीरे चलेगा, नीचे गिरने भी लगता है धीरे धीरे गिरेगा, रेंज के बाहर हमें अच्छी मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब इसलिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पर चलते हैं और समझते हैं हमें इंट्राडे बेसिस पर हमें किस प्रकार से ट्रेड करना है। तो अभी मेरे सामने निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट। तो निफ्टी 50 ने अभी क्या किया है, ऊपर से आया है और ये जो क्लोजिंग प्राइस है लास्ट डे का क्लोजिंग, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट की जैसा काम करेगा। जैसे कि निफ्टी आज इस क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ओपनिंग हुआ है तो आज बायर्स थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव है, सेलर्स कब एक्टिव होंगे, लो भी काफ़ी करीब है। तो सेलर्स एक्टिव होंगे 19,500 के नीचे, 19,500 के नीचे ही सेलर्स एक्टिव होंगे। अभी जो निफ्टी का कंडीशन है वो थोड़ा सा बायर्स के कंट्रोल में है, जैसे निफ्टी क्लोजिंग प्राइस के नीचे आएगा या लो के नीचे आएगा तब हमें सेलर्स एक्टिव होते हुए देखने को मिलेगा। तो अगर निफ्टी यहाँ पर कंसोलिडेटिंग करते हैं क्लोजिंग प्राइस के आसपास और फिर अगर ऊपर के साइड ब्रेकआउट करते हैं तो ऊपर के साइड हमें अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। ऊपर के साइड हमें 19,650 का टारगेट बहुत जल्दी मिल सकता है। तो अभी वेट करते हैं और देखते हैं किस प्रकार का प्राइस एक्शन बनता है।
तो निफ्टी में इस ब्रेकआउट के बाद हमें एक ऊपर के साइड मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं कॉल साइड में, जो कि कहीं ना कहीं 19,575 के ऊपर ही हो सकता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक कॉल ऐड कर लेते हैं ज़ीरोधा के अंदर, उसके बाद हम अगर प्राइस एक्शन और सेटअप अच्छी तरह हमारी कंडीशन में फिट बैठता है तब हम एंट्री करने के लिए डिसाइड करेंगे। तो मैं 19,500 का कॉल या 550 का कॉल को ऐड कर लेता हूँ, 5th अक्टूबर 19,550। तो यहाँ पर मैंने निफ्टी में 19,550 का कॉल ऐड कर लिया है। तो जैसे ही निफ्टी 19,580 के ऊपर सस्टेन करेगा हम एक कॉल पोजिशन लेंगे। बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा साइडवेज लग रहे हैं, फिर भी बैंक निफ्टी ऊपर चल सकते हैं, लेकिन यह हमें देखना पड़ेगा। अगर बैंक निफ्टी 44,500 के ऊपर सस्टेन करता है तब जाकर हमें ऊपर के साथ मोमेंटम मिलेगा, और ऊपर के साथ में भी धीरे धीरे मोमेंटम कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल जो साइकोलॉजिकल लेवल है 44,500 का, वो इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर हमें अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो अभी वेट करते हैं और देखते हैं किस प्रकार का प्राइस एक्शन बनता है। तो निफ्टी पर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं, निफ्टी ने 1 मिनट टाइम फ्रेम पर बहुत अच्छी तरह से क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लिया है और ऊपर के साथ एक ब्रेकआउट का प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन बनाया है। तो निफ्टी पर बहुत अच्छा मोमेंटम मिल सकते हैं जैसे ही निफ्टी 19,585 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा। ठीक है, ऊपर के साथ हमने टारगेट भी डिस्कशन किया था कहीं ना कहीं 19,650 के आसपास। तो अभी वेट करते हैं, ब्रेकआउट होगा तो ट्रेड करेंगे, अदरवाइज ट्रेड नहीं करेंगे। दोस्तों अगर निफ्टी इसी क्लोजिंग प्राइस के आसपास अगर कंसोलिडेटिंग अभी कर रहे हैं, अगर एक कंसोलिडेशन के बाद अगर नीचे के साइड ब्रेकडाउन करते हैं तब हमें नीचे के साइड भी एक सेलिंग देखने को मिल सकते हैं। कल की लो तक यानी 19,500 के आसपास तक हमें सेलिंग देखने को मिल सकते हैं अगर यहाँ पर होल्डिंग करने के बाद निफ्टी नीचे का ब्रेकडाउन करता है। अभी फिलहाल ब्रेकआउट का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, फिर भी हमें नीचे का प्रिपरेशन रख लेना चाहिए। तो अभी वेट करते हैं और देखते हैं किस प्रकार का प्राइस एक्शन बनाते हैं निफ्टी। तो अभी बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी ने भी सेम प्राइस एक्शन बनाया निफ्टी के जैसा, इसने भी क्लोजिंग प्राइस के आसपास सपोर्ट लिया और क्लोजिंग प्राइस पर सपोर्ट लेकर होल्डिंग करके ऊपर की साइड ब्रेकआउट किया। और मोस्ट प्रोबेबली बैंक निफ्टी ज़्यादा मोमेंटम करेगा जैसे ही बैंक निफ्टी 44,500 को क्रॉस करेगा। तो अगर हम परसेंटेज वाइज भी देखें तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं चेंजेस पर आप देख सकते हैं। तो निफ्टी ने ब्रेकआउट कर दी है, लेकिन इसका जो ऑप्शन प्रीमियम का प्राइस है वो हमारी फंडिंग के ऊपर का है, मतलब हमारा जो फंडिंग का लिमिट है वो है 6K और इसका जो प्राइस है 6.8K के आसपास आ रहा है। तो हमें इसके नीचे का कॉल ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 19,600 का कॉल को देखते हैं। तो ये जो इसका जो प्रीमियम है वो हमारी फंडिंग की लिमिट के अंदर आता है। तो देखते बैंक नीति ने अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है निफ्टी से पहले, तो हमें बैंक नीति का भी एक कॉल ऑप्शन ऐड कर लेना चाहिए, मे बी बैंक निफ्टी आज ज़्यादा परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पर हमने बैंक निफ्टी का 44,500 का कॉल ऐड कर लिया और इसका जो प्रीमियम का प्राइस है वो 48 और बैंक निफ्टी ने अभी ब्रेकआउट कर दिया है, तो थोड़ा सा डीप मिल जाता है तो अच्छा होगा। तो वेट करते हैं थोड़ा सा, अगर एक रेड कैंडल मिलता तो अच्छा होता है 1 मिनट पर या 5 मिनट पर। ठीक है, अभी थोड़ा सा देख लेते हैं, बैंक निफ्टी ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी के कंपैरिजन में अभी की सिचुएशन पर। तो बैंक निफ्टी पर हम पोजीशन ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा बैंक निफ्टी का एक कॉल ऑप्शन ऐड हो चुका है 15 क्वांटिटी। तो यहाँ पर हम स्टॉप लॉस भी जल्दी से जल्दी लगा लेते हैं। तो कितना स्टॉप लॉस हम लगाएंगे, हम 15 से 16 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं 300 के आसपास आएगा, तो हम 300 की स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। और यहाँ पर हमारा 300 301, ओके। तो यहाँ पर हमने अभी स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिया है, जैसे ही बैंक निफ्टी 300 के नीचे आ जाएगा हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, टारगेट की बात करें तो टारगेट 322 के आसपास होगा, मतलब प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से बोले तो 250 का लॉस हो सकते हैं और मैक्सिमम 400 के आसपास मिनिमम प्रॉफिट हो सकते हैं। और प्रीमियम के हिसाब से देखें तो हमारा जो टारगेट बन के आ रहा है वो कहीं ना कहीं 342 के आसपास बना हुआ है। तो अभी वेट करते और देखते क्या होता है, अगर स्टॉप लॉस होता है तो स्टॉप लॉस दे देंगे और टारगेट होता है तो टारगेट ले लेंगे। तो अभी देखते हैं, ओके, यहाँ पर थोड़ा सा अच्छी मोमेंटम दिखने को मिल रहा है। ठीक है, ऊपर के साइड
650 के आसपास प्रॉबेबली एक रेजिस्टेंस मिल सकते हैं। जो लास्ट डे की ओपनिंग प्राइस है और प्रीवियस डे का भी क्लोजिंग प्राइस हमें देखने को मिला था, वहाँ पर मे भी थोड़ा सा खतरा हो सकते हैं। अभी ज़्यादा दिक्कत तो होने नहीं वाला है, इसलिए देखते हैं। अभी इसका अगर हाई देखें तो इसका जो हाई लगाया है अभी अभी वो 342 का लगाया है। ठीक है, 342 के ऊपर जाएगा तो ऊपर के साथ अच्छी मोमेंटम देखने को मिलेगा। अभी वेट करते हैं और देखते हैं। चलिए, ये कैंडल अगर बड़ी कैंडल बन गया तो हम एज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पर रिजेक्शन ले लिया है, तो यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ सकता है। तो देखते हैं थोड़ा सा। तो ये जैसे ही हाई वगैरह क्रॉस करेगा हमारा टारगेट भी अचीव हो जाएगा, तो यहाँ पर हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो अभी वेट करते हैं इसका हाई क्रॉस होने का। प्रीमियम ज़्यादा बढ़ नहीं पा रहा है क्योंकि मोमेंटम भी ज़्यादा नहीं हो रहा। 1 मिनट टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पर यहाँ पर बैंक निफ्टी अभी कंसोलिडेटिंग कर रहे हैं, और जैसे इस कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट होगा ऊपर की साइड एक मोमेंटम हो सकता है। तो ये जो नीचे का पॉइंट है 44,522, ये हमारा स्टॉप लॉस है। इसके नीचे आएगा तो हमें एग्जिट करना पड़ेगा, कॉस्ट टू कॉस्ट में हो या माइनर लॉस में ही हो या माइनर प्रॉफिट ही हो। तो देखते हैं कहाँ तक चलता है। नीचे आता है तो हमें तो निकलना पड़ेगा, ऊपर चलता है तो अच्छे कैंडल फॉर्म होगा। तो यहाँ पर इस रेंज का ब्रेकआउट हो चुका है, अभी देखते हैं कितना ऊपर तक चलता है। 584 टारगेट भी ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। नीचे आएगा तो दिक्कत हो सकते हैं, अगर दोबारा से इसी रेंज के नीचे आ जाता है तो फिर हमें एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि रेंज के ब्रेकआउट के बाद अगर मोमेंटम नहीं हो रहा ना तो यहाँ पर बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखते हैं। तो यहाँ से हमें कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर लेना पड़ेगा क्योंकि इस रेंज के लोअर पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी आ चुका है। ये देखिए, ये जो हमारा नीचे का रेंज था यहाँ पर क्या हुआ था, स्विंग लो को रेस्पेक्ट करके ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर जब कंसोलिडेटिंग करने के बाद ब्रेकआउट किया उसके बाद नीचे नहीं आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आ चुका है तो एक बार के लिए हमें यहाँ पर निकलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से अगर ब्रेकडाउन होता है तो थोड़ा बहुत निगेटिव ही हो सकता है, और क्योंकि हमने एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं तो ये सब तो रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ता ही है। ठीक है, सो अभी अगर दोबारा क्रॉसिंग करता है तो दोबारा हमें री एंट्री का अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो हम री एंट्री कर लेंगे। निफ्टी कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा, ये अगर दोबारा हाई वगैरह क्रॉस करेगा तो हम री एंट्री कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग हुआ, फिर क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया अपनी हाई को लेकर। अपनी हाई का जब जैसे इसने क्लियर किया ऊपर की साइड एक ब्रेकआउट हुआ, फिर से यहाँ पर कंसोलिडेटिंग किया। अब कंसोलिडेटिंग करके ऊपर के लेवल पर कंसोलिडेटिंग करके अगर दोबारा से ब्रेकअप करेगा तो फिर से हमें ऊपर की साइड मोमेंटम मिल सकता है। तो यहाँ पर हम अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो हम री एंट्री कर लेंगे। तो अभी देखते हैं, अगर नीचे के साइड ब्रेकडाउन करते तो फिर हमें अवॉइड करना पड़ेगा, पुट के बारे में तो हम सोचेंगे नहीं आज के दिन। अगर प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम आप देख सकते हैं अभी कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहे हैं जहाँ पर हमने एग्जिट की थी। चलिए, बैंक निफ्टी पर री एंट्री कर लेते हैं फिर से। हमारा जो ऑर्डर कंप्लीट हुआ 340 के आसपास कंप्लीट हुआ है, तो यहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। 15 पॉइंट्स माइनस करें तो 325 के आसपास लगाते हैं, 324, 323। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस। तो अगर फिर से अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज के लोअर पॉइंट तक आ जाते हैं तो हम अपना एसएल दे देंगे, अगर ऊपर किसी से चलने लगते हैं तो 625 के आसपास अपना टारगेट अचीव हो जाएगा। तो अभी देखते हैं, अभी प्रीमियम भी बहुत दिखे हो रहे हैं तो इस ऑर्डर को कैंसिल कर लेते हैं। इसको हम 320 के आसपास लगा सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम नहीं करेगा तो बैंक निफ्टी का साइडवेज भी रहेगा तो हमारा प्रीमियम दिखे हो जाएगा। तो जैसे ही चेंज का लोअर पॉइंट तक आ जाएगा हम अपना एसएल दे देंगे। ये 25 के आसपास अच्छी तरह बन रहे हैं,
क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर ब्रेकडाउन किया, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, और फिर से रेजिस्टेंस लेकर नीचे आया। तो अभी ये जो 625 का लेवल है, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के जैसे काम करेगा। तो 25 के आसपास हमें अपना फुल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ट्रैप कर देगा, क्योंकि यहाँ पर 27 तारीख को भी क्लोजिंग दिया, 28 तारीख को भी यहाँ पर ओपनिंग और हाई लगाया है। तो ये जो एरिया है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी फिर से रिजेक्शन ले सकते हैं, फिर से साइडवेज हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर तो हमें 100% प्रॉफिट बुक कर लेना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा, अगर आप पेशेंस नहीं रखते तो यहाँ पर आप प्रॉफिट नहीं कर सकते। आपको अगर डर लगता है तो डर से यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर डर की गेम ही नहीं है। यहाँ पर आपको एसएल रखना पड़ेगा और टारगेट रखना पड़ेगा, इधर एसएल हिट होगा या टारगेट हिट होगा, बीच में हमारे लिए कुछ है ही नहीं। तो हम बीच में तो नहीं निकलेंगे कि हमारा डर लग गया तो हम निकल गए, ऐसा कुछ बहाना हम नहीं रखते। हमारा एसएल होता है सिस्टम के अंदर, तो हम अपना एसएल ले लेंगे, और अगर टारगेट होता है तो टारगेट हम बुक कर लेंगे। कभी कभी टारगेट फ्लो में ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उसको हम ट्रेल करते हैं, ठीक है। तो आपको इधर एसएल और टारगेट की फॉर्मूला को याद रखना है, इस दोनों के बीच में आपको बीच में डरना नहीं है। तो यहाँ पर हमें अपना टारगेट बुक कर लेना चाहिए, तो 360 के आसपास देखते हैं, 360 के नीचे आएगा तो हम निकल जाएंगे, और देखते हैं ऊपर चलता है तो अच्छी बात है, और अगर ऐसे रिजेक्शन लेता है तो फिर आप तो 100% निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है और हमारा टारगेट भी अचीव हो चुका है। तो देखते हैं इसी फ्लो में कहाँ तक चलता है। तो यहाँ पर हमारा अपना पोजीशन को एग्जिट कर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 360 के नीचे आ रहा है और हमने भी अपना टारगेट अचीव कर लिया। यहाँ पर एग्जिट करने का रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी रेजिस्टेंस भी आ चुका था और हमारा टारगेट भी अचीव हो चुका है। तो मे भी यहाँ से ऊपर भी चल सकते हैं, कंटिन्यू मोमेंटम होते जा सकते हैं, और हो सकते हैं इस यहाँ से रिजेक्शन लेकर नीचे भी चल सकते हैं, लेकिन अपना काम हो गया तो टारगेट बुकिंग करके अपना सेटअप को क्लोज कर देना चाहिए। तो पोजीशन लेने का रीज़न क्या था, क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट मिला, क्लोजिंग प्राइस के सपोर्ट के बाद जैसे ही ऊपर चलने लगा, ऊपर हम कंसोलिडेशन के बाद रेंज ब्रेकआउट में ट्रेड किया, ठीक है। अभी आप क्या कर सकते हैं, अभी अगर ऊपर चलने के बाद ऊपर अगर कोई रेंज बनाता है और फिर दोबारा उस रेंज का ब्रेकआउट करते हैं तो आप वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस का बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की साइड लेग स्टार्ट कर दी। अब ऊपर की साइड मूव करने के बाद फिर से यहाँ पर एक रेंज बनाया और उस रेंज का ब्रेकआउट किया है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर ऊपर चलने के बाद दोबारा से कोई रेंज बनाता है, उस रेंज के अंदर ट्रेड करके अगर ब्रेकआउट करता है तो फ्री एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। निफ्टी को थोड़ा सा अवॉइड करना ठीक रहेगा, निफ्टी कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, बैंक निफ्टी परफॉर्म कर रहे हैं, तो जो इंडेक्स परफॉर्म ज़्यादा करते हैं वहीं पर हमको ट्रेड करना चाहिए। तो ध्यान रखिए 44,700 का लेवल जो है, ये लेवल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर सस्टेन करके ब्रेकआउट करेगा तो अच्छी मूव आएगा पोजिशनली, और इंटरडे भी हो सकते हैं आज के दिन, लेकिन यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता है तो थोड़ा सा निगेटिव हो सकते हैं। अभी फिलहाल बैंक निफ्टी एक मेजर रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं, तो इस रेंज के बाद अगर ब्रेकआउट होता है तो ऊपर के साथ अच्छी मोमेंटम आज के दिन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो आज के जो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं इतना कुछ बना, और पोजिशन हमने कब ली थी, 9:46 पर, और हमने सारा पोजिशन को एग्जिट कर दी 10:17 पर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। Thank you for watching.